हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। प्लीज़ गिव मी अ कन्फर्मेशन, एक बार कन्फर्मेशन दे दो, मेरा वॉइस आ रहा है, ओके, सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्लास। ओके, आई एम ऑडिबल, ओके। सो इन द टुडे क्लास वी विल डिस्कस, आई थिंक कोई होमवर्क दिया था क्या क्लास में कल, ओके, लेट अस वी विल डिस्कस सम लॉग एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर, नेगेटिव फीडबैक एप्लीकेशन, एंड देन वी विल गो फॉर ओप एम्प रेक्टिफायर। रेक्टिफायर वी विल डिजाइन थ्रू ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ओके। नाउ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ बिफोर बिगनिंग द क्लास। I am Kamesh. I am M.Tech from IIT Roorkee. I have 5+ years of teaching experience for GATE and ESE field. I teach EDC, analog circuit and advanced electronics. Unacademy Plus पर यही subject मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ। बात करें कि Unacademy Plus में सर ऐसा क्या जादू है, ऐसी क्या बात है जो हमें YouTube और special class में नहीं मिल पा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब कुछ अच्छा content मिल रहा है YouTube पर special classes में, but एक significant difference है Unacademy की plus classes में और YouTube classes में। Unacademy की प्लस क्लासेस लाइव क्लासेस हैं आपकी, वही लाइव क्लासेस आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहती हैं। आप मल्टीपल टाइम्स आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। जब आप Unacademy की प्लस क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो टीचर और स्टूडेंट्स का जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होता है, ओके। उसके बाद Unacademy प्लस सब्सक्रिप्शन के थ्रू आपको रैंक इंप्रूवमेंट बैच, क्रैश कोर्स जैसी सारी फैसिलिटीज उसी प्लस सब्सक्रिप्शन में मिल जाती हैं। वीकली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, ये वीकली टेस्ट जो है ना वो कंडक्ट होता ही है, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होता, कोई बहाना नहीं होता। हर वीकेंड पर टेस्ट जरूर कंडक्ट होते हैं। हर फोर्थ क्लास डाउट क्लियरिंग सेशन होती है। इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपके कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं आइकॉनिक की, कि प्लस सब्सक्रिप्शन में जो भी सारी फैसिलिटीज है ना वो सारी आइकॉनिक में मिलेंगी। लेकिन आइकॉनिक में एक और एडवांटेज है, आइकॉनिक में ये एडवांटेज है कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन सपोज आप डीमोटिवेटेड होते हैं, आपको गाइड की जरूरत है, आपको मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट है, तो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जाना चाहिए। उसमें पर्सनल कोच जो पहला ये लिखा हुआ है, इस पर्सनल कोच में आपको 1-to-1 इंटरेक्शन मिलेगा टीचर के साथ बात करने का, वो आपको गाइड करेंगे, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को तैयार करवाएंगे। स्टडी प्लानर, इसका मतलब कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान एंड ट्रैक योर परफॉर्मेंस। आपको कस्टमाइज स्टडी प्लान दिया जाएगा एंड ट्रैक किया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस को, कि आप कहाँ लाई कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। आपको रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा कि भाई आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है एट प्रेजेंट। स्टडी बूस्टर सेशन रहते हैं इसमें, जिसमें आपका क्या करेंगे, आप रिसीव करोगे एसेंशियल गाइडलाइंस। हम आपको एसेंशियल गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे बाय रेगुलर वर्कशॉप्स, ओके। और आपने जैसे टेस्ट दिया, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस मींस टेस्ट दिया, उस टेस्ट का इनडेप्थ एनालिसिस कराया जाएगा बाय सेक्शंस एंड क्वेश्चंस के टाइप के थ्रू, ओके। और प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा, स्पेशलाइज्ड नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी सेकंड ईयर में हैं वो आइकॉनिक को टारगेट करें और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू Unacademy को ज्वाइन करें। Unacademy को ज्वाइन करने के लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना होता है जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। तो Unacademy प्लस सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट की बात करें, 12 months, 18 months एंड 24 months, तो इन सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट रिस्पेक्टिवली यहां पर लिखा हुआ है। लेकिन आपको जब सब्सक्रिप्शन लेना होता है तो डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड लगाना जरूरी होता है। आप EDC10 कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और आप EMI ऑप्शंस के थ्रू भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बाकी आपने जो कॉइंस अर्न किए होते हैं बाई स्पेशल क्लास, स्पेशल क्लास आप जब देखते हैं तो आपको कॉइंस अर्न होते हैं आपके, और उन कॉइंस के थ्रू आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट फर्दर मिल जाता है। और EDC10 लगाना मस्ट है, क्योंकि आपने अगर कूपन कोड लगाना भूल गए तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा और आपको ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो EDC10 जरूर लगाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जाएं 12 months, 24 months, तो 12 months का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन EDC10 लगाने का 45,225 का पड़ता है। EDC10 लगाने के बाद 24th month का आइकॉनिक 66,600 का पड़ता है। EMI ऑप्शंस अगेन अवेलेबल है, पेमेंट को प्रोसीड करोगे आपका पेमेंट डन हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा
और आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे। ओके 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 सो नाउ लेट अस स्टार्ट। विच एनालॉग इवेंट, यार कौन सी इवेंट अनाउंस करनी है? ओके ओके 4.55 हर्ज। ओके, शायद मैंने कल कोई होमवर्क दिया था, उसका आंसर दे रहे होंगे। सो ट्राई योर सेल्फ दैट क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर लॉग एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर लॉग एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर। बिफोर दैट, नाउ लेट अस स्टार्ट विद सम बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक पॉइंट ऑफ द डायोड। सपोज वी आर हैविंग दिस डायोड, हमारे पास चलो एक डायोड है। अब इस डायोड के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये डायोड की करंट है आपकी आईडी, ये डायोड में फ्लो हो रही है करंट आईडी, और ये डायोड का वोल्टेज है वीडी। ओके, डायोड की करंट आईडी है, डायोड का वोल्टेज वीडी है। अगर मैं इस डायोड की करंट की इक्वेशन की बात करूं, तो आईडी इक्वल टू आईएस ई टू द पावर ऑफ डायोड वोल्टेज अपॉन ईटा वीटी, ये डायोड के करंट की इक्वेशन होती है। माइनस वन को इग्नोर कर दिया फॉरवर्ड बायस में। अब मैं बात करूं यहां से, अगर वीडी निकालूं तो वीडी क्या आएगा, यहां से डायोड करंट अपॉन डायोड का रिवर्स सेक्शन करंट इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ डायोड वोल्टेज अपॉन ईटा वीटी। तो यहां से आ गया डायोड वोल्टेज वीडी इक्वल टू ईटा वीटी नेचुरल लॉग ऑफ आईडी बाय आईएस। यहां पे आईएस आपका रिवर्स सेक्शन करंट है डायोड का, और वीडी डायोड का आपका वोल्टेज है, आईडी डायोड का करंट है, और ईटा आपका आइडियलिटी फैक्टर है, जो कि 1 होता है जर्मेनियम के लिए, 2 होता है सिलिकॉन के लिए। तो ये तो बात हो गई आपके डायोड की और डायोड के करंट की। अब दूसरा बात करने वाला हूं मैं बीजेटी का। अब मैं बीजेटी का बात करूं, तो ये आपका बीजेटी है, जिसको बोलता हूं मैं बीजेटी बाबा, ये बीजेटी बाबा हुआ, जिसके लिए गाना गाया था मैंने ईडीसी में, बीजेटी बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे बीजेटी ऐसी बनाई। और वो कोई बकवास नहीं है, उसमें बताया है कि बीजेटी बनाने वाले ने सोचा क्या था ऐसा, कि जिसकी वजह से बीजेटी ऐसा बनाया गया। इन डेप्थ बात बताई गई है, जो शायद आज से पहले ना भूतकाल में आपने कभी सुनी होगी, ना भविष्यकाल में मेरे अलावा किसी सुनोगे। अगर कोई कॉपी कर ले तो बात अलग है, तो जरूर सुन लोगे। ना भूतकाल में कभी ऐसा सुना होगा कि बीजेटी ऐसे बताया जाता है, ओके, ना कभी सुनोगे। ओके, ये कलेक्टर करंट है आईसी बीजेटी का, और ये बीजेटी का बेस टू अमीटर वोल्टेज है बीबीई। अगर इसके लिए भी हम शॉकली इक्वेशन देखें, तो कलेक्टर करंट आईसी इक्वल टू रिवर्स सेक्शन करंट बेस टू अमीटर जंक्शन का वोल्टेज बीबी अपॉन ईटा वीटी, ये आएगा आपका यहां से अगेन। ओके अगेन बीबी, अरे भाई ये एनालॉग ही तो चल रहा है, ये कौन सा सब्जेक्ट है? ऊपर नाम लिख देता हूं इसमें, दिस सब्जेक्ट इज एनालॉग सर्किट ओनली। एनालॉग सर्किट ओनली, ओके। इफ समथिंग इज रिटन लाइक दैट क्रैश कोर्स, ओके, क्रैश कोर्स ऑन एनालॉग, जस्ट क्रॉस द दिस क्रैश कोर्स, जस्ट रीड फ्रॉम कोर्स ऑन एनालॉग सर्किट। ओके, यहां से पढ़ना स्टार्ट करो, क्रैश को रिमूव करो, कोर्स ऑन एनालॉग सर्किट ये समझ लो, ये कोर्स ऑन एनालॉग सर्किट चल रहा है, ठीक है। नाउ सेकंड इज दिस आई सी इक्वल टू आई एस ई टू द पावर ऑफ बीबी अपॉन ईटा बीटी। अब मैं यहां से बीबी निकालू, बीबी आएगा आई सी अपॉन आई एस, रेगुलर क्लास में आया करो बेटा, सब कुछ पता रहेगा। नाउ यहां से अगर मैं बीबी निकालूं तो क्या आ जाएगा, बीबी बीबी आ जाएगा ईटा वीटी नेचुरल लॉग ऑफ कलेक्टर करंट अपॉन रिवर्स सैचुरेशन करंट। ओके, ये आ गया बेस टू अमीटर वोल्टेज,
थर्ड केस लेते हैं हम कि ये तो बीजेटी हो गया जिसका एनपीएन ट्रांजिस्टर है आपके पास, मान लो नाउ सी मान लो आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर हो तो, पीएनपी ट्रांजिस्टर हो तो ऐसा होगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर पी से पीओ एन से निकालो, ओके पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये अगेन अमीटर टर्मिनल, ये अगेन कलेक्टर टर्मिनल, ये अगेन बेस टर्मिनल। अब बस वी बी की जगह हो जाएगा आपका वी ई बी, इस बात को ध्यान रखना। ये हो गई आपकी कलेक्टर करंट आई सी और ये अमीटर करंट। नाउ अगेन इक्वेशन होगी आई सी इक्वल टू आई एस ई टू दी पावर ऑफ, अब वी बी की जगह आएगा आपका वी ई बी अपॉन ईटा बी टी। अब मैं बात करूं यहां से तो अगर मैं वी ई बी निकालूं तो वो आ जाएगा अगेन ईटा बी टी नेचुरल लॉग ऑफ कलेक्टर करंट अपॉन रिवर्स सेचुरेशन करंट, ओके कलेक्टर करंट अपॉन रिवर्स सेचुरेशन करंट, ये आ गया अमीटर बेस जंक्शन वोल्टेज वी ई बी। एनी प्रॉब्लम? दिस इज वी ई बी ईटा बी टी एल एन ऑफ आई सी बाई आई एस। अब यहां तक पढ़ लिया, इसका यूज करेंगे हम लॉग और एंटी लॉग एम्पलीफायर बनाने के लिए। ओके सबसे पहले तो इसको मैक्सिमम शेयर कर दो, ओके तो बाकी स्टूडेंट जो भी हैं जितने आते हैं डेली वो आ सकें, मैं शेयर कर देता हूँ, आप लोगों को शर्म लग रही होगी, ओके तो आपके सामने ही मैं कर देता हूँ। ओके दिस इज द कोर्स, ओके सो नाउ दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बीजेटी एंड डायोड। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, अब देखो मैं बताने जा रहा हूं आपको लॉग एम्पलीफायर, लॉग एम्पलीफायर। अगर मैं अब लॉग एम्पलीफायर की बात करूं तो लॉग एम्पलीफायर कैसा होगा? ऐसा होगा, कैसा होगा? ऐसा होगा, ये माइनस ये प्लस पॉजिटिव टर्मिनल इट इज ग्राउंड, ओके दिस इज डायोड, दिस इज रजिस्टर, वीन, दिस इज आउटपुट वी नॉट। अब ये आपका लॉग एम्पलीफायर। अब ये लॉग एम्पलीफायर कैसे है ये हमें देखना है, ओके लॉग अगर एम्पलीफायर है तो आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज का क्या होना चाहिए? लॉग होना चाहिए, आउटपुट शुड बी लॉग ऑफ इनपुट वोल्टेज। ये ओप एम्प है, इसकी पावर सप्लाई है प्लस माइनस वी सेट, प्लस माइनस वी सेट सपोज, ओके थैंक यू सर, यू आर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, ओके हैट्स ऑफ टू योर डेडिकेशन, ओके मैं भी सेकंड ईयर से गेट प्रिपेयर किया था, ओके नाउ सी अब ये सर्किट है इसको सॉल्व करना है। इनपुट सिग्नल आपको कुछ भी हो सकता है, साइनसोडल हो सकता है,
सम नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो, मैंने हमेशा आपको बताया है, जब भी डायोड किसी सर्किट में दिया हो, आप सर्किट को बिल्कुल सीरियसली लें। मतलब जब तक डायोड के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए कि डायोड ऑन है कि ऑफ है, आप अपनी जुबान खोल के आंसर मत दे देना। जब तक आपको ये क्लैरिफाई ना हो जाए कि इस सर्किट में डायोड ऑन है कि ऑफ है। अब देखते हैं, हम इसकी एनालिसिस करते हैं। मान लो इनपुट वोल्टेज जब पॉजिटिव है, इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव है तब आंसर क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा इस सर्किट का, कोई पूछे आपसे। इनपुट पॉजिटिव है, हमें नहीं पता डायोड ऑन है कि ऑफ है, क्या मान के चलने हम, क्या मान के चलें, कुछ भी मान के चलो, लेट डायोड इज ऑफ, लेट डायोड इज ऑफ। इफ यू आर लेटिंग डायोड ऑफ, व्हाट विल हैपन, क्योंकि आपने डायोड को ऑफ मान लिया है, भले ही बेसिक सा छोटू सा सर्किट दिख रहा है, यही खेल कर देता है गेट एग्जाम में आ जाता है, तो बच्चा यही नहीं कर पाता है क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हिले हुए होते हैं। डायोड ऑफ है तो ओपन सर्किट हो गया है, प्लस बी सेट माइनस बी सेट, ओके। दिस इज वी नॉट, डायोड इज ऑफ, हियर वी आर हैविंग सम रजिस्टर आर एंड दिस इज द इनपुट एंड इनपुट, रिमेंबर दिस इनपुट वोल्टेज इज पॉजिटिव राइट नाउ। नाउ डायोड इज ऑफ, व्हाट यू एक्सपेक्ट, यहां तो कोई करंट जा ही नहीं रहा है आपका, अब ये ओपन लूप ओपैम्प हो गया कि नहीं हो गया, ओपन लूप ओपैम्प दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और क्या सिखाया था ओपन लूप ओपैम्प में मैंने, कि ओपन लूप ओपैम्प भैया कंपैरेटर की तरह बिहेव करता है। कंपैरेटर का मतलब नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग वोल्टेज में कंपेयर करेगा वो। इन्वर्टिंग वोल्टेज आपका कैसा है, पॉजिटिव, तो देखो इनपुट करंट क्या होगी ओपैम्प की, जीरो, ये तो जीरो ही है, इनपुट करंट जीरो है, यहां पर कोई करंट नहीं जा रही तो ये भी करंट जीरो होगी, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव वोल्टेज यहां आ जाएगा। इन्वर्टिंग पर पॉजिटिव वोल्टेज, नॉन इन्वर्टिंग पर ग्राउंड, तो कौन ज्यादा है, इन्वर्टिंग ज्यादा है, आउटपुट क्या आ जाएगा अभी थोड़ी देर के लिए, माइनस बी सेट, क्योंकि इन्वर्टिंग ज्यादा है। अब देखो ये माइनस बी सेट है, ये नोड वोल्टेज आपका पॉजिटिव है पूरा का पूरा। अब डायोड के बारे में देखो, अभी तो आपने डायोड को लेट किया था, माना था आपने, डायोड के पी टर्मिनल पर पॉजिटिव वोल्टेज है, एन टर्मिनल पर माइनस बी सेट है, डायोड तो एक्चुअल में ऑन होना चाहिए आपका। मतलब निष्कर्ष क्या निकला, डायोड ऑफ नहीं है भैया, डायोड यहां पर ऑन है। तो क्या कर रहे हैं हमने, निष्कर्ष क्या निकला, डायोड इज ऑन, वीन इज पॉजिटिव, डायोड इज ऑन, डायोड आपका ऑन है भाई साहब। तो मतलब आपने जो सर्किट बनाया अभी वो गलत बनाया, डायोड ऑफ नहीं है, ऑन मानो डायोड को और फिर आंसर निकालो, डायोड को ऑन लेके चलो फिर आंसर निकालो, क्योंकि आपने ऑफ माना वो गलत निकला, ऑफ है ही नहीं वो एक्चुअल में। तो भैया लो, ऑफ नहीं है तो डायोड ऑन है, डायोड ऑन है तो डायोड की जगह जस्ट डायोड बना दिया मैंने, ये लो। कोई दिक्कत तकलीफ जिंदगी में, तो भैया कहाँ है क्रैश कोर्स, किसने बोला एक क्रैश कोर्स है, किसी चीज का नाम लिख जाए क्रैश कोर्स तो वो क्या क्रैश कोर्स हो जाता है। सब सोचने का नजरिया बदलो, थोड़ा ग्रो अप हो जाओ, आपको सीखने मिल रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, दैट्स मैटर, ओके। अब देखो डायोड अगर ऑन है तो यहां पर नेगेटिव फीडबैक हो गया सिस्टम में, डायोड ऑन है तो नेगेटिव फीडबैक एग्जिस्ट कर रहा है, और जब नेगेटिव फीडबैक एग्जिस्ट करता है तो भैया जिंदगी का राज क्या होता है, वर्चुअल शॉर्ट, ये नोड वोल्टेज हो जाएगा जीरो वोल्ट, इनपुट करंट ओपैम्प की जीरो, यहां से आने वाली करंट यहां पर जाने वाली करंट के बराबर हो जाएगी, क्या हो जाएगा, वीन माइनस जीरो अपॉन आर, ये तो इनपुट करंट हो गई आने वाली, यहां से करंट ओपैम्प में जाने वाली जीरो, डायोड में जाने वाली करंट आईडी, डायोड का वोल्टेज है सपोज बीडी, ये आ गया आईडी इक्वल टू वीन अपॉन आर। नाउ सी, क्या हम यहां पर केवीएल लगा सकते हैं, जीरो माइनस बी डी माइनस बी नॉट, जीरो माइनस बी डी माइनस बी नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहां से बी डी इक्वल टू क्या आ गया, माइनस बी नॉट, ये आ गया। नाउ सी, आई डी इक्वल टू वीन अपॉन आर है, बी डी इक्वल टू माइनस बी नॉट है,
वी डी इक्वल टू माइनस बी नॉट है। अब हमको निकालना क्या है, वी नॉट निकालना है। ओके अभी हमने पढ़ के आए थे वी नॉट इक्वल टू माइनस बी डी हो गया, बी डी इक्वल टू क्या पढ़ के आए थे हम, डायोड वोल्टेज। देखो यहां पर डायोड का वोल्टेज और करंट में रिलेशन ईटा बी टी एल एन ऑफ आई डी बाई आई एस लिख दो वहां पर भैया, तुरंत लिख दो माइनस की जगह माइनस ईटा बी टी नेचुरल लॉग ऑफ डायोड करंट बाई डायोड रिवर्स सेचुरेशन करंट, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू माइनस ईटा बी टी नेचुरल लॉग ऑफ डायोड करंट आई डी कितना है, आई डी है वीन अपॉन आर, लिख दे बेटा यहां पर वीन अपॉन आर इंटू आई एस। तो बेटा आउटपुट क्या आ गया, आउटपुट वोल्टेज लॉग ऑफ इनपुट वोल्टेज दिख रहा है, यस दिख रहा है, आउटपुट वोल्टेज लॉग है इनपुट का, मैं तो लॉग एम्पलीफायर बोलूंगा, बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट बात है। अब देखो अगर इनपुट वोल्टेज गिवन है और आपको अगर बी नॉट निकालना है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ डायोड पता होना चाहिए, ये रेजिस्टेंस आर की वैल्यू गिवन होना चाहिए, ईटा के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, नहीं है इंफॉर्मेशन तो बन मानते हैं, और थर्मल वोल्टेज बी टी गिवन होना चाहिए, तब जाके आप बी नॉट निकाल पाओगे। लेकिन सपोज क्वेश्चन में डायोड का कट इन वोल्टेज गिवन है 0.7, तो आंसर क्या आएगा, अरे डायरेक्टली आ जाएगा 0 माइनस बी डी माइनस बी नॉट, बी नॉट इक्वल टू माइनस बी डी आ गया है ना, तो आंसर बी नॉट इक्वल टू माइनस बी डी भी करेक्ट है और बी नॉट इक्वल टू दिस मच इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि ये बी डी ही है, ये जो लिखा हुआ है वो बी डी है, तो आप ये लिख दो और चाहे ये लिख दो बात बराबर। लेकिन डायोड का अगर कट इन वोल्टेज नहीं है गिवन और ये सब गिवन है तो आप इससे निकालोगे आंसर, ऐसा कभी नहीं होगा कि दो डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ जाएं आपके, ठीक है। तो ये आंसर हो गया बी नॉट इक्वल टू माइनस बी डी, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत किसी को, ओके चलो। अब बेटा देखते हैं वीन की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तब क्या आंसर आएगा, ये तो सब कर लेते हैं, लेकिन अगर वीन नेगेटिव है इनपुट वोल्टेज नेगेटिव है तो पहली बात तो नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइन नहीं है, दूसरी बात इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट आएगा क्या, अगेन देखो इनपुट नेगेटिव है डायोड के बारे में नहीं पता, लेट डायोड इज ऑफ, डायोड को ऑफ मान लिया, डायोड को अगर ऑफ मान लिया मेरे बच्चे तो बना यहां पर ओपन सर्किट करके, ओके ओके नाउ सी दिस इज आर, दिस इज डायोड, दिस इज आउटपुट, ओके अब देखो डायोड मैंने ऑफ माना है, ये वी नॉट है, ये आर है, ये इनपुट है। अब देखो इनपुट कैसा है आपका, नेगेटिव। अब देखो ये इनपुट करंट तो जीरो होगी ओप एम्प की, डायोड ऑफ है मान लो, लेट किया है आपने, ध्यान रखना है अभी कंफर्म करना है कि ऑफ है कि भी नहीं है, ये ओपन लूप ओप एम्प दिख रहा है, बीन नेगेटिव है, ये करंट जीरो है, इधर करंट जीरो है, तो ये करंट भी जीरो होगी, ये पूरा वोल्टेज यहां जाएगा, इस नोड का वोल्टेज नेगेटिव, इस नोड का वोल्टेज नेगेटिव, इन्वर्टिंग नेगेटिव वोल्टेज है, नॉन इन्वर्टिंग जीरो है, कौन ज्यादा हुआ, नॉन इन्वर्टिंग ज्यादा हुआ, आउटपुट क्या आ जाएगा, बी नॉट इक्वल टू प्लस वी सेट, ये आ गया प्लस बी सेट। अभी आंसर मत मान लेना, बी नॉट प्लस बी सेट, डायोड को देख लो एक बार, डायोड का एन टर्मिनल कनेक्टेड है पॉजिटिव वोल्टेज वी सेट से, पी कनेक्टेड है नेगेटिव वोल्टेज ऑफ इनपुट से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, रियली डायोड इज ऑफ, डायोड इज ऑफ रियली। सो मतलब आपने जो माना वो बिल्कुल सही माना, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलती नहीं है, और आउटपुट वोल्टेज का आंसर प्लस वी सेट आ गया है। तो ये क्वेश्चन था मान लो, तो ऐसे दे दे तो ये लॉग एम्पलीफायर है, आउटपुट इज द लॉग ऑफ इनपुट, दिस इज लॉग ऑफ इनपुट, व्हेन इनपुट वोल्टेज इज पॉजिटिव एट दैट टाइम आउटपुट इज द लॉग ऑफ इनपुट, हेंस इट इज नोन एज लॉग एम्पलीफायर। बट अगर क्वेश्चन में वीन की वैल्यू नेगेटिव दे दे और आपको आंसर पूछा जाए तो आप आंसर बोल देना प्लस वी सेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये क्वेश्चन दे दिया आपको, मुझे लगता है इंडिया के हर बच्चे पे ये क्वेश्चन बनता होगा, क्योंकि वो इस क्लास में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि उस पर बनता है ये क्वेश्चन, सब कुछ सीख के बैठा हो बचपन से, सीख गया जब पैदा हुआ तभी सीख गया था वो, ये सब आता है उसे, सब आता है, ये सब आता है उसे, बहुत ज्ञानी है, आइंस्टीन को बीट करने वाला है, गेट के लिए ही नहीं
कम से कम आपने इंजीनियरिंग की इज्जत रखने के लिए तो यूट्यूब पर पढ़ाई कर ही लो, जिससे कम से कम इंजीनियरिंग की इज्जत रह जाए कि हाँ इंडिया में थोड़े बहुत इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं बच्चे, थोड़ा बहुत कुछ आता है। पता पड़ा 4 साल बाद भी डब्बा गोल केवीएल केसीएल ही नहीं आता है, तो कोई मतलब नहीं है उस इंजीनियरिंग की डिग्री का, उसे फाड़ के फेंक दो, कभी काम नहीं आने वाली वो। उससे बढ़िया तो बीएससी कर लो। दिस इज वीन, सपोज वीन इक्वल टू आपका -2 वोल्ट है, ये पावर सप्लाई है, +15 वोल्ट, -15 वोल्ट, डायोड का कट इन वोल्टेज वी गामा गिवन है 0.7 वोल्ट, फाइंड वी नॉट इन दिस सर्किट। वी नॉट का आंसर निकालना है। यस ओके, उसी के लिए तो किया मैंने एनालिसिस। अगर साइनसोइडल सिग्नल है तो पॉजिटिव साइकिल में आंसर ये आएगा, नेगेटिव साइकिल में +V सेट आएगा। ओके सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? अगेन बोई, एनालिसिस कर पाओ तो एनालिसिस करो, नहीं डायरेक्ट वी इन नेगेटिव है, डायोड के बारे में कुछ नहीं पता, लेट डायोड ऑफ। जैसे ही डायोड को ऑफ माना आपने, ओपन लूप ओपन हो जाएगा, इस नोड पर नेगेटिव वोल्टेज आएगा, इन्वर्टिंग पर नेगेटिव आएगा वोल्टेज, अगर डायोड को ऑफ माना तो ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव 0 है, तो नॉन इन्वर्टिंग ज्यादा है इन्वर्टिंग कम है, आउटपुट क्या आ जाएगा? +B सेट आउटपुट, ये +B सेट आएगा और ये नेगेटिव चल रहा होगा, डायोड वास्तव में ही ऑफ होगा, और डायोड अगर वास्तव में ऑफ होगा तो आउटपुट +B सेट ही आएगा आंसर। तो आउटपुट आंसर इज +B सेट, दैट इज +15 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? वी नॉट इक्वल टू +15 वोल्ट इज द आंसर। ओके +15 वोल्ट, नॉट -15, नॉन इन्वर्टिंग इज मोर। ओके नॉन इन्वर्टिंग इज 0, इन्वर्टिंग इज -2, +15 इज द आंसर। एनी प्रॉब्लम? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइनस एंड दिस इज प्लस। दिस इज आर, दिस इज वीन, वीन इज +2 वोल्ट, दिस इज आउटपुट। ओके एंड डायोड कट इन वोल्टेज वी गामा इज 0.6 वोल्ट, फाइंड वी नॉट, पावर सप्लाई इज -15 वोल्ट फॉर द ओप एम्प। व्हाट इज वी नॉट इन दिस क्वेश्चन? गिव द आंसर एवरीवन, गिव द आंसर, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? डायोड इज देयर, आर इज देयर, इनपुट इज 2 वोल्ट, वी गामा इज 0.6, फाइंड वी नॉट। अब इन दिस केस व्हाट इज वी नॉट? इनपुट इज पॉजिटिव, सेम सर्किट वी हैव एनालाइज्ड, वी नॉट इक्वल टू -ηVT, नेचुरल लॉग ऑफ वी इन अपॉन आर इन टू आई एस विल बी द आंसर। अब लेकिन आई एस गिवन नहीं है रिवर्स सैचुरेशन, आर की वैल्यू गिवन नहीं है आपके पास, है ना, वीटी गिवन नहीं है, कैसे निकालोगे? लेकिन आपको पता है वीन जब पॉजिटिव है तो डायोड ऑन होगा, डायोड अगर ऑन होगा कट इन वोल्टेज गिवन है 0.6, डायोड विल बी रिप्लेस बाय कट इन वोल्टेज ऑफ 0.6, एंड इफ वी अप्लाई द केबीएल वी विल गेट द आंसर ऑफ वी नॉट इक्वल टू 0 माइनस डायोड कट इन वोल्टेज माइनस वी नॉट इक्वल टू 0, वी नॉट इक्वल टू माइनस कट इन वोल्टेज -0.6 वोल्ट इज द आंसर। ओके सीख गए लो आप लोग? नहीं सर वो तो क्रैश कोर्स है, इसमें थोड़ी सीख पाएंगे हम। अरे भाई सीखना अगर उद्देश्य हो जीवन का तो उस क्रैश को काट देगा बच्चा। ओके और यूट्यूब पर पढ़ रहे हो आप, कोई स्पेशल क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हो आप में तो बिल्कुल मेंटली बिल्कुल एकदम स्ट्रांग होना चाहिए आपको। पहले तो डेडिकेशन, और फाइंड आउट कर लो कि टीचर में दम है कि नहीं, पढ़ा पाए कि नहीं, बस तो फॉलो करो पढ़ते जाओ चाहे कुछ पढ़ा रहा हो। ओके बस टीचर को पहले पहचान लो कि वास्तव में पढ़ा भी पाया कि नहीं, पता पड़ा मूठ आगे आ गया यूट्यूब पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ओके ओके नाउ नेक्स्ट इज लॉग एम्पलीफायर बाय यूजिंग बीजेटी। नाउ सेकंड सर्किट दिस,
Now we are going to discuss log amplifier design using BJT. Now I will design the same circuit by using BJT. Okay. Vin, this is R. Okay, this is ammeter and this is the collector current of the BJT IC. Okay, and this is V0 and this is base to ammeter voltage VBE of the BJT. Now this is again log amplifier. It is also a log amplifier. Now let us see how it works. That we have to see. Again वही वाली बात मैंने क्या बोला है, जब भी BJT हो, diode हो, ऐसा switch work कर रहे हो, जब तक आपको ये नहीं पता चल जाए कि BJT on है कि off है, तब तक अपना दिमाग या हाथ पैर मत चलाना. पहली बात, वही solution कैसे करेंगे? जब Vin positive है तो BJT आपका ऑन होगा कि ऑफ होगा, ये आइडेंटिफाई करेंगे. Vin इज पॉजिटिव देन वी विल आइडेंटिफाई ओके वेदर ओके. नाउ सी दिस इज BJT. अब Vin पॉजिटिव है, बेस इसका ग्राउंड है, अमीटर आउटपुट से कनेक्टेड है, ठीक है. अब BJT को पहचानना है पहले तो कि BJT ऑन है कि ऑफ है. आपको पता है BJT का अगर अमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज है तो BJT 100% ऑन होगा, वो रिवर्स वाइज है तो ऑफ होगा एज अ स्विच अगर BJT वर्क कर रहा है तो. नाउ सी Vin पॉजिटिव है, अगेन वही वाली बात, लेट कर लो जब समझ में नहीं आ रहा कुछ तो. लेट BJT इज ऑफ, हमें नहीं पता कि ऑन है कि ऑफ है, चलो ऑफ तो हो सकता है, लेट की BJT ऑफ है. अगर आपने ऑफ माना तो पहले देखो अब सर्किट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बार बार ड्रॉ करोगे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. अगर BJT ऑफ होगा तो आपको ओपन लूप ओपैम्प दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ओपन लूप ओपैम्प दिखेगा कि नहीं. इमेजिनेशन बढ़ाओ, BJT ऑफ है, कोई फीडबैक नहीं है आउटपुट इनपुट के बीच में, आपको दिखेगा ओपन लूप ओपैम्प. ओपन लूप ओपैम्प दिखा, ओपन लूप ओपैम्प में फिर खास बात क्या देखी कि इन्वर्टिंग पर वोल्टेज Vin कनेक्टेड है पॉजिटिव वोल्टेज और नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंड पर है. इन्वर्टिंग पर पॉजिटिव, नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंड, इन्वर्टिंग जीत गया. आउटपुट क्या आएगा कुछ देर के लिए, ये समझ लो माइनस बी सेट दिख रहा है आपको. अब आउटपुट माइनस बी सेट दिख रहा है तो अमीटर कनेक्टेड है नेगेटिव वोल्टेज से माइनस बी सेट से और बेस कनेक्टेड है ग्राउंड से, वो भी एनपीएन ट्रांजिस्टर है. दिस इज पी टाइप, बेस इज पी टाइप विच इज कनेक्टेड एट ग्राउंड, अमीटर इज एन टाइप विच इज कनेक्टेड मोर नेगेटिव पोटेंशियल. मतलब अमीटर बेस जंक्शन क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस. BJT का अमीटर बेस जंक्शन क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस. तो भैया फिर तो BJT आपका ऑन हुआ, BJT तो आपका ऑन निकला. और BJT अगर आपका ऑन निकला तो फिर सर्किट को ड्रॉ करके आंसर बताओ. BJT इज ऑन, ऑफ जो माना आपने वो गलत माना, वो ऑफ नहीं है, वो ऑन है. BJT इज ऑन हियर ओके. आपने जो ऑफ माना वो गलत माना, BJT तो ऑन है भाई साहब. BJT ऑन है. Vin है, कलेक्टर करंट है, ये V नॉट है, ये VB. अब देखो BJT इज ऑन, BJT ऑन है तो नेगेटिव फीडबैक एग्जिस्ट कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक एग्जिस्ट कर रहा है, ऑन है BJT, ऑन है ही ओके. तो नेगेटिव फीडबैक एग्जिस्ट करेगा, नेगेटिव फीडबैक होगा तो वर्चुअल शॉर्ट लगा सकते हैं.
वर्चुअल शॉर्ट लगाएंगे तो ये वोल्टेज जीरो है, तो ये वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा, इनपुट करंट जीरो, यहां से आने वाली करंट यहां जाने वाली करंट के बराबर। आने वाली करंट क्या होगी, वीन माइनस जीरो अपॉन आर इक्वल टू ओप एम्प की इनपुट करंट जीरो, बीजेटी में जाने वाली कलेक्टर करंट आई सी। सो कलेक्टर करंट बीजेटी की हो गई आई सी इक्वल टू वीन अपॉन आर। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये हो गई। तो नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, नेक्स्ट ये देखेंगे आउटपुट में यहां केवीएल लगा दूं मैं भगवान की कृपा से, केवीएल क्या बोलेगा, जीरो माइनस बेस टू अमीटर वोल्टेज ऑफ आउटपुट वो बीजेटी माइनस वी नॉट इक्वल टू जीरो। व्हाट इज आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज बीजेटी के माइनस बेस टू अमीटर वोल्टेज के बराबर हुआ। मतलब अगर इस क्वेश्चन में बीबी गिवन होता डायोड का कटन, बीजेटी का कटन वोल्टेज, अमीटर बेस जंक्शन का वोल्टेज ड्रॉप ड्यूरिंग ऑन कंडीशन गिवन होता मान लो 0.7, तो वी नॉट इक्वल टू माइनस 0.7 आंसर हो जाता। लेकिन आपको पता है बीबी निकालना, कि बीबी का इक्वेशन क्या होता है, बीबी होता है माइनस ईटा बी टी नेचुरल लॉग ऑफ कलेक्टर करंट अपॉन रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये पढ़ाता हमने अभी, पहली पढ़ा के आ रहा हूं मैं आपको। ईटा बी टी नेचुरल लॉग ऑफ आई सी क्या है, कलेक्टर करंट वीन अपॉन आर इंटू आई एस। अब देखो क्या आ गया, आउटपुट वोल्टेज लॉग ऑफ इनपुट वोल्टेज, हेंस इट इज अ लॉग एम्पलीफायर, इट इज टेकिंग लॉग ऑफ द इनपुट, हेंस मैं इसको लॉग एम्पलीफायर बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपका आउटपुट आ गया, कोई दिक्कत तकलीफ, और ये भी करेक्ट है। ओके, तो जब आपका आई एस गिवन ना हो, बी टी गिवन ना हो, आर गिवन ना हो, डायरेक्ट वी नॉट इक्वल टू माइनस बी बी, और वो 0.7 गिवन हो, तो डायरेक्ट आंसर माइनस 0.7 हो जाएगा। ओके, अदरवाइज डायोड का बीजेटी का कट इन वोल्टेज ना गिवन हो, बेस टू अमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ड्रॉप ना गिवन हो, और बी टी गिवन हो, आई एस गिवन हो, आर गिवन हो, तो इससे निकाल देना वी नॉट, दैट्स ऑल। ये आ गया बीन की वैल्यू पॉजिटिव के लिए। अब बीन की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तब क्या करेंगे मेरे बच्चों, अगर वीन की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या होगा आंसर, अगर वीन की वैल्यू नेगेटिव है तो ये करेंगे हम, वीन नेगेटिव है अगेन लेट ट्रांजिस्टर ऑफ। अगर मैं ट्रांजिस्टर को ऑफ माना, इमेजिनेशन बढ़ाओ, ऑफ माना तो ओपन लूप ओप एम्प हो जाएगा, ओपन लूप ओप एम्प कंपैरेटर की तरह बिहेव करता है, पहली बता चुका हूं मैं, ये हो गया ओपन लूप ओप एम्प, ओपन लूप ऑफ एम्प हो गया, कंपैरेटर की तरह बिहेव करता है, कंपैरेटर हो गया। अब इनपुट नेगेटिव है, इनवर्टिंग पर नेगेटिव वोल्टेज आएगा, नॉन इनवर्टिंग पर जीरो है, नेगेटिव ज्यादा होता है कि जीरो, जीरो ज्यादा होता है, नॉन इनवर्टिंग ज्यादा, तो वी नॉट आ जाएगा प्लस बी सेट, वी नॉट आएगा आपका प्लस बी सेट। और वी नॉट अगर आपका प्लस बी सेट आया तो वी नॉट किससे कनेक्टेड है, अमीटर ऑफ बीजेटी से, एन टर्मिनल ऑफ द बीजेटी से, तो अमीटर बेस जंक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, वास्तव में बीजेटी ऑफ होगा, अमीटर बेस जंक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस्ड, बीजेटी रियली क्या हो जाएगा आपका, वास्तव में ही आप होगा, आपने जो माना वो सही माना, जो माना वो सही माना, तो फिर वी नॉट का आंसर प्लस बी सेट भी क्या है, सही है, तो वी नॉट का आंसर प्लस बी सेट आएगा जब वीन की वैल्यू नेगेटिव होता। ओके, नाउ सी दिस इज द केस, कैन वी गो फॉर द क्वेश्चन, ओके वी कैन गो फॉर द क्वेश्चन, ओके नाउ लेट अस गो फॉर द क्वेश्चंस, ओके ओके वेट ओके नाउ सी दिस इज द क्वेश्चन, नाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन अ क्वेश्चन, और ये गेट में आया है ये क्वेश्चन, वैसे सिमिलर क्वेश्चन मैं आपके सामने छाती पर रख रहा हूं। माइनस दिस इज प्लस, दिस इज ग्राउंड, ओके ये बीजेटी गिवन था, ये गिवन था क्वेश्चन में,
ओके बेस अमीटर जंक्शन वोल्टेज VBE, ये था आपका V नॉट, ये था आपका इनपुट वोल्टेज VIN, ये था R। ओके इसमें गिवन था, ओके दिस इज गिवन दैट VIN इक्वल टू सपोज सम 3 वोल्ट, VBE ऑन गिवन था उसका 0.7 वोल्ट, थर्मल वोल्टेज गिवन था VT इक्वल टू 26 मिली वोल्ट, फाइंड वी नॉट, ये क्वेश्चन था। अब देखो मेरा बच्चा हल बता देगा तुरंत, आपको पता है वीन पॉजिटिव है, वीन अगर पॉजिटिव है तो बीजेटी क्या होगा, ऑन होगा, अभी एनालिसिस करके आए हैं, या चेक कर लो वीन पॉजिटिव है लेट बीजेटी ऑफ, अगर ऑफ है ये पॉजिटिव है, इन्वर्टिंग पर पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग पर जीरो, तो आउटपुट क्या आएगा -VSET, -VSET आने की वजह से एन कनेक्टेड -VSET, पी कनेक्टेड ग्राउंड, बीजेटी ऑन होगा 100%, तो बीजेटी इज ऑन इन द सर्किट। अगर बीजेटी ऑन है तो ये केवीएल क्या बोलेगा, 0 -VB -V0, वी नॉट इक्वल टू -VB, डायरेक्ट आंसर -VB, बीबी ऑन गिवन है 0.7, तो 0.7 आंसर हो गया, कैलकुलेट ही नहीं करना था। ये गेट का क्वेश्चन है ऐसा ही बिल्कुल सेम, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आया था। ओके नाउ दिस इज लॉग एम्पलीफायर, कैन बी गो फॉर एंटी लॉग एम्पलीफायर, एंटी लॉग एम्पलीफायर, या इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल एम्पलीफायर, इसी को हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल एम्पलीफायर। अब देखो कुछ नहीं करना है, यूजिंग डायोड बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा, जो अभी बनाया था लॉग एम्पलीफायर ना, उसमें डायोड की जगह रजिस्टर कर लो, रजिस्टर की जगह डायोड कर लो, बात बराबर है, मतलब एंटी लॉग बन जाएगा, बात बराबर नहीं, डायोड की जगह रजिस्टर, रजिस्टर की जगह डायोड, जिंदगी आसान, ये है मीनिंग, और बन जाएगा एंटी लॉग आपका। ओके अब देखो यहां पे लगा दिया डायोड, यहां लगा दिया रजिस्टर, ये बन गया आपका एंटी लॉग एम्पलीफायर आर, ये लगा दिया डायोड आपका, ओके ये लगा दिया आपका इनपुट वोल्टेज, और ये हो गया आपका आउटपुट वोल्टेज। ओके अब ये आपका एंटी लॉग एम्पलीफायर, देखो कैसे जादू देखो इसका, पहली बात बताओ डायोड आपका ऑन हो या ऑफ हो, पहली बात नेगेटिव फीडबैक तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, नेगेटिव फीडबैक एग्जिस्ट कर रहा है, वर्चुअल शॉर्ट लगा दो क्योंकि ओपन लूप गेन पता नहीं है, ठीक है, सो ये लगा दिया वर्चुअल शॉर्ट, ये तो लग नहीं है, ये लगा दिया मैंने 0 वोल्ट, इनपुट करंट ओपन के 0 ना, यहां से कोई करंट आ रही होगी तो ये डायोड का वोल्टेज होगा VD, डायोड की करंट होगी ID भगवान की कृपा से, और यहां करंट फ्लो हो रही होगी कोई I। ओके तो अगर देखो यहां से करंट आ रही है ID, डायोड करंट ID इक्वल टू क्या हो रहा होगा, जा रहा है जा रहा जा रहा है ओपन में 0, प्लस इधर जाने वाला करंट कितना होगा, 0 -V0 अपॉन R, तो V0 आउटपुट ही तो निकालना है, वो हो गया R into ID के बराबर, R into ID के बराबर, ID क्या होता है डायोड का करंट, ID इक्वल टू IS e टू द पावर ऑफ डायोड वोल्टेज अपॉन ηVT। अब आउटपुट वोल्टेज आ गया VD के फॉर्म में, इक्वेशन वन बोल दो इसे, यहां से KVL लगा इनपुट में, KVL क्या दिख रहा है तेरे को, VIN माइनस डायोड वोल्टेज -0 इक्वल टू 0, तो VIN इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से VD, और VD इक्वल टू VIN पुट कर दें यहां पर, तो आउटपुट वोल्टेज कितना आ जाएगा -R into IS e टू द पावर ऑफ VD इक्वल टू VIN है, पुट कर दे VIN अपॉन ηVT, तो क्या आ गया भाई साहब, आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज का एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल एम्पलीफायर बोलना पाप है क्या, नहीं, लेकिन ये कब आ रहा होगा बेटा, ये तब आ रहा होगा जब VIN पॉजिटिव है, क्योंकि ये 0 है, VIN जब पॉजिटिव होगा तभी तेरा डायोड ऑन होगा,
तो ये डायोड ऑन होगा तभी डायोड में करंट फ्लो होगी, तभी उसकी बात करेंगे। तो ये जब बात कर रहा हूं मैं, वी इन पॉजिटिव है तो डायोड आपका क्या होगा, ऑन होगा। अगर आइडियल डायोड है तो, अगर 0.7 डायोड है तो वी इन की वैल्यू 0.7 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि देखो एन टर्मिनल का वोल्टेज तो जीरो फिक्स है, उसे कोई नहीं रोक रहा आपका। इनपुट वोल्टेज करंट वोल्टेज से ज्यादा है, डायोड ऑन होगा, ये चलने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं कि अगर डायोड ऑफ होगा तब क्या आएगा आंसर। डायोड अगर ऑफ होगा तब क्या आएगा आंसर, डायोड ऑफ होगा तो ये करंट जीरो, इनपुट करंट जीरो, तो यहां जाने वाली करंट जीरो, करंट जीरो तो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो, ये वोल्टेज जीरो है, ये पूरा का पूरा आउटपुट में पहुंच जाएगा। डायोड अगर ऑफ होगा तो उस टाइम पर बी नॉट का आंसर जीरो वोल्ट आएगा, डायोड ऑन होगा तब ये आंसर आएगा। दैट्स ऑल, कोई दिक्कत? सो बी नॉट इक्वल टू जीरो व्हेन डायोड इज ऑफ, और डायोड जब ऑन होगा तो आउटपुट वोल्टेज एक्सपोनेंशियल होगा इनपुट का। अब डायोड ऑन कब होगा वो डिपेंड करेगा कि डायोड कौन सा लेकर आए हो आप। ओके, डायोड का कटिंग वोल्टेज 0.7 है तो इनपुट की वैल्यू 0.7 से ज्यादा होगी तो डायोड ऑन, अदरवाइज ऑफ, क्योंकि डायोड का एन टर्मिनल का वोल्टेज तो जीरो फिक्स है भगवान की कृपा से। ओके, नाउ चलते हैं एंटीलॉग एम्पलीफायर को, क्या बीजेटी के थ्रू बना सकते हो, क्या बीजेटी के थ्रू बना सकते हो? हाँ, बीजेटी बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को बीजेटी ऐसी बनाई, वो लेक्चर देख लेना ईडीसी का, मजा ना आ जाए ना तो बात करना, तार खुल जाएंगे दिमाग के बिल्कुल, एक एक के एक एक बिल्कुल ये बोल देगा कि सर आप कहाँ हो। ओके, ये गारंटी है मेरी, चैलेंज है, बीजेटी का लेक्चर देखना ईडीसी का, आपको सही में आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है। ओके, सही में आएगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, जस्ट देखना बीजेटी का लेक्चर, बीजेटी का स्टार्टिंग, जिसमें गाना, अगर वो आप समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो तो उसके प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना, फोटो डायोड वगैरह का, तब तुम्हें समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी मीठी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स को जितना आप हेट करते हो, पसंद नहीं करते हो, उतना प्यार करोगे, छाती पर रख के सोगे इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक को, बस अब आप पढ़ तो लें, आप एक बार लेक्चर देख तो लें, वो देख लिया तो उसके बाद फिर कोई नहीं सुहाएगा इस दुनिया में, पता नहीं कितने लोगों को आप गालियां दोगे उसको देखने के बाद, तो समझ में आएगा कितना काटा गया है आपका जिंदगी में अभी तक। ओके, ये लो आर। ओके, नाउ सी, ये आपका बीजेटी है, यहां लगा दिया मैंने पीएनपी, लेकिन क्या करें बेटा, इंडिया में जनता भोली वाली है, भोली वाली नहीं होती तो फिर बात ही क्या होती। ओके, नहीं तो ये हालत थोड़ी होती हमारी कंट्री की इंजीनियरिंग फील्ड में। ओके, नाउ सी, दिस इज वी इन, दिस इज इनपुट वोल्टेज वी इन, दिस इज अमीटर बेस्ड जंक्शन, इट इज अ पीएनपी ट्रांजिस्टर, रिमेंबर। ओके, नाउ अगेन द पॉइंट इज, इट्स अमीटर इज कनेक्टेड विद इनपुट, दैट अमीटर इज पी टाइप, दैट इज पीएनपी ट्रांजिस्टर, एन इज ग्राउंडेड, अमीटर बेस्ड जंक्शन, डायोड इज डिपेंडिंग ऑन इनपुट ओनली, इफ इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव पी इज पॉजिटिव बीजेटी इज ऑन, इफ वी इन इज नेगेटिव बीजेटी इज ऑफ, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सर्किट इज R is there in the feedback, 100% this voltage is ground voltage. Input current is zero, no problem. Now point is, when input is positive in such a way that, input is positive in such a way that, positive means greater than cut-in voltage of the BJT. Meaning is that this BJT is on, just I am writing like that, okay. So whatever the ammeter based junction cut-in voltage is given in the question, generally 0.7 is given, Vin is greater than 0.7, BJT will be on. So I am writing when BJT is on, ye achha rahega. When BJT is on, at that time what is the answer of the output? When BJT is on, definitely current will flow, this collector current will go, input current is zero, some current will go here, what is the collector current? IC will be equal to op amp current 0 plus 0 minus B0 upon R.
आउटपुट वोल्टेज वी नॉट इक्वल टू माइनस आर इन टू आई एस. वाट इज कलेक्टर करेंट ऑफ द सॉरी आई सी. वाट इज द कलेक्टर करेंट ऑफ द बीजेटी. क्या बताया था अभी मैंने जिंदगी में आपके कि कलेक्टर करेंट जो होता है वो आई सी इक्वल टू आई एस ई टू द पावर ऑफ. अब देखो पी एन पी है तो वी ई भी लिख दिया अपॉन ईटा वी टी होगा. अब देखो आउटपुट वोल्टेज एक्सपोनेंशियल ऑफ वी भी आ गया. अगर बीजेटी ऑन है तो ये केवीएल भी लगा सकता हूं मैं. वी इन माइनस वी बी इक्वल टू जीरो. इनपुट वोल्टेज इक्वल टू वी ई बी. ये दिख रहा है साफ साफ. ओके इनपुट वोल्टेज इक्वल टू वी बी या वी बी इक्वल टू वी इन. अप्लाई हियर आर इन टू आई एस ई टू द पावर ऑफ इनपुट वोल्टेज अपॉन ईटा वी टी. ओके इनपुट वोल्टेज अपॉन ईटा वी टी. तो ये आ गया आपका, ये आ गया आउटपुट वोल्टेज इज एक्सपोनेंशियल ऑफ इनपुट दैट इज एंटी लॉग एम्पलीफायर. व्हेन बीजेटी इज ऑफ, अगर बीजेटी ऑफ हुआ तो क्या होगा. बीजेटी अगर ऑफ हुआ तो कोई करंट नहीं आएगी कलेक्टर की, कोई इनपुट करंट नहीं होगी ओप एम्प की, इधर भी कोई करंट नहीं जाएगी फीडबैक एलिमेंट में. बी नॉट इक्वल टू जस्ट डायरेक्टली जीरो हो जाएगा. तो व्हेन बीजेटी इज ऑफ तो आंसर कितना आएगा. व्हेन बीजेटी इज ऑफ. डियर फ्रेंड्स आपके लिए खुशखबरी है. क्या खुशखबरी है अगर आप लोग अवेलेबल हैं. खुशखबरी ये बेटा कि 6 बजे मेरी स्पेशल क्लास है मॉसफेट की. ओके 6 बजे स्पेशल क्लास है मेरी मॉसफेट की. आप सब लोगों का वहाँ पर स्वागत है. मिठाई बटेगी, मिठाई खाना बढ़िया आराम से. स्वागत है, इन्विटेशन है, आमंत्रण है. पीली चिट्ठी आपके घर पहुँचा दी जाएगी. ओके उस पीली चिट्ठी के साथ चावलों के साथ आपका आमंत्रण है. ओके आप आइए स्पेशल क्लास में, आपका स्वागत है सबका. ओके वेलकम टू माई स्पेशल क्लास एट 6 PM. और 6 PM पर जो स्पेशल क्लास है उसकी लिंक मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाली है. गेट एस्परेंट जो फेसबुक ग्रुप है उस पर भी डाली है. ओके नहीं मिले तो कामेश श्रीवास्तव मेरा नाम है, इसीलिए वो इंट्रोडक्शन दिया जाता है स्टार्टिंग में. हेलो एवरीवन, आई एम कामेश श्रीवास्तव, एम टेक फ्रॉम IIT रुड़की. ये इसीलिए बोला जाता है, कोई उसका उद्देश्य नहीं होता. जिससे आप अनएकेडमी पर सर्च करें तो आपको पता तो कि इस शक्ल वाला जो टीचर पढ़ाता है यूट्यूब पर उसका नाम कामेश श्रीवास्तव है. ओके इसलिए बोला जाता है. सो व्हेन बीजेटी इज ऑफ वी नॉट इक्वल टू जीरो वोल्ट, ये आपका आंसर हो गया. समझ में आ गया. कामेश श्रीवास्तव नाम सर्च कर लेंगे आप अनएकेडमी पर जाके तो स्पेशल क्लास मिल जाएगी मेरी आज. मॉसफेट सेकेंड स्पेशल क्लास. ओके रसगुल्ले मिलेंगे बिल्कुल एकदम. ओके सो दिस इज एंटी लॉग एम्पलीफायर. सो एंटी लॉग इज ओवर बाई डायोड वी हैव डिजाइन और बाई बीजेटी ऑल्सो वी हैव डिजाइन. नाउ एंटी लॉग इज ओवर. क्या आप कुछ और बना सकते हो इनका यूज करके. क्या देखो अभी तक आपने जिंदगी में पढ़ा, सब कुछ पढ़ लिया. एडर पढ़ा आपने, मैंने डिवीजन कराया, एडर बनाया मैंने, सब्ट्रैक्टर बनाया, लेकिन मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिवीजन नहीं बनाया. अब देखो अगर कोई बोले कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे, ओप एम्प मल्टीप्लायर कैसे बनाओगे, तो वो ऐसे बनाओगे मल्टीप्लीकेशन. अगर आपको ये फंक्शन प्रोवाइड करना है बाई यूजिंग ओप एम्प, तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे दो नंबर का. एडिशन कर चुके हो आप क्योंकि अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन करने हैं. अब बस इसके बाद अपन रेक्टिफायर और पढ़ेंगे, रेक्टिफायर हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर एंड ओप एम्प क्लिपर पढ़ेंगे ओप एम्प के, और उसके बाद ओप एम्प की आत्मा को शांति मिल जाएगी. ओके तो जो पढ़ेंगे वो ढंग से पढ़ेंगे. पर मल्टीप्लीकेशन कैसे बनाओगे दो नंबर का. मल्टीप्लीकेशन पहले तो दोनों नंबर का लॉग ले लो, लॉग के बाद एडिशन कर दो. ओके एडिशन करने के बाद जो आंसर आए लॉग ऑफ एम धन लॉग ऑफ एन, उसका एंटी लॉग ले लो और आपकी जिंदगी में जो मिलेगा वो मिल जाएगा दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन. ओके देखो बेटा ये मान लो एक नंबर है V1, ये नंबर है V2, इसका लिया आपने लॉग, इसका लिया लॉग, तो क्या मिलेगा. लॉग एम्पलीफायर बनाना आता है, लॉग ऑफ V1 लॉग ऑफ V2 नेचुरल लॉग है ये मान के चलो. ओके ये एडर हुआ, एडर का आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर, लॉग ऑफ V1 प्लस लॉग ऑफ V2. ये क्या होता है लॉग ऑफ M धन लॉग ऑफ N, लॉग V1 इंटू V2.
इसका ले लिया आपने एंटी लॉग, तो आउटपुट जो आएगा प्रोपोर्शनल टू आएगा वी वन इंटू वी टू के। एंटी लॉग क्या होता है, लॉग हटा दे, वी वन इंटू वी टू मल्टीप्लीकेशन हो गया आपका। अब करना है जिंदगी में डिवीजन, तुम्हें जिंदगी में आप क्या महसूस हुआ, डिवीजन करना महसूस हुआ आपको कि डिवीजन करना है जिंदगी में, तो ये ले डिवीजन करके दिखाऊंगा मैं। डिवीजन ओके, ये ले डिवीजन हो गया। डिवीजन ऐसे होगा, ये लो लॉग एम्पलीफायर एक लिया, दूसरा लॉग एम्पलीफायर लिया, दोनों लॉग एम्पलीफायर के आउटपुट मैंने इसको दे दिए, इसको भगवान बोल रहे हैं अपन, ओके ओके। और फिर यहां पर एंटी लॉग एंड देन वी नॉट ओके। देखो ये वी वन है, ये वी टू है, ये लॉग लिया, ये लॉग लिया, ये लॉग ऑफ वी वन आया, ये लॉग ऑफ वी टू आया। अब यहां एडर की जगह सब्ट्रैक्टर लगा दिया मैंने, तो क्या आएगा यहां पर आउटपुट, लॉग ऑफ वी वन माइनस लॉग ऑफ वी टू, जो कि इक्वल होगा लॉग ऑफ वी वन डिवाइड बाई वी टू के। अब ले लिया एंटी लॉग, जैसे ही एंटी लॉग लिया तो वी नॉट प्रोपोर्शनल आ जाएगा वी वन बाई वी टू के, डिवीजन हो गया आपका। ये है जिंदगी का राज, सिंपल है एनालॉग सर्किट। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे ओके, वो होगा यस क्रैश कोर्स, आपका वीकेंड पे हो रहा था पहला, अब रेगुलर में भी हो रहा है। कुछ तभी तो बोल रहा हूं कि आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होगा, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होगा, ऐसा लगता है जैसे उस पर आ जाओगे तो हम तुम्हें लूट लेंगे, ऐसा नहीं है। वो केवल आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी भलाई के लिए, टीचर कभी किसी बच्चे का वो नहीं करता, ठीक है, खासकर मेरे ऐसा। तो मैं जो बोल दूँ उसे तुम आँख बंद करे कर लिया, अगर मैं बोल दूँ कुएं में कूद जा तो तुरंत कूद जा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भलाई होगी क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, इसका नाम है कामेश श्रीवास्तव, ठीक है। तो ध्यान रखो कि मैं जो चीज़ बोलूँ ना वो तो कर लिया करो, मैं बोलते नहीं हूँ, मेरा दिल गवारा नहीं करेगा ना, मैं बोलूँगा ही नहीं, चाहे बर्बाद हो जाऊँ, ठीक है, जिंदगी में जो चीज़ मुझे सही नहीं लगेगी मैं कभी जिंदगी में नहीं करूँगा। जब तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं होऊंगा तब तक एडवाइस नहीं दूंगा बच्चे को, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को बच्चे को मुंह दिखाना है, मेरे को तो मिलना भी है, मिलेंगे भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, छाती टोक के कहीं पर भी जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। सो मीनिंग इज दैट, ठीक है, नाउ पॉइंट इज दैट, फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी बाय दिस लिंक। अब फॉलो क्यों करना है उसका कारण बता देता हूँ। सब फॉलो करेंगे आपके फॉलोअर बढ़ेंगे, नहीं, ये फालतू चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ मैं कि फॉलोअर बढ़ाने, इसलिए करनी है, स्पेशल क्लास की लिंक तभी मिलती है आप फॉलो कर लेते हैं। फॉलो कर लोगे तो आप इजीली किसी को भी सर्च कर पाओगे, इजीली क्वेश्चन को मेरे स्पेशल क्लास को सर्च कर पाओगे, क्योंकि आपने मेरे को फॉलो किया होगा। मैं जब भी स्पेशल क्लास लूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, कामेश सर नाम के जो इंसान है जिनको आप पसंद करते हो ना वो स्पेशल क्लास लेने वाले हैं, इसलिए फॉलो करना है। ये हमारे YouTube चैनल है इतने सारे, इन सारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको क्या मिलती जाए, आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे हर न्यू क्लासेस के, और इन पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपको मिल रहा है इन सारे YouTube चैनल पर। अब बात करते हैं कि मेरे बारे में थोड़ा और जान लो कि भाई आप अगर अनअकैडमी को सर्च करना चाहते हो तो किसको सर्च करोगे। ये शकल है, चश्मा लगाए ये इंसान, इनका नाम है कामेश श्रीवास्तव। कामेश श्रीवास्तव नाम डालोगे, सर्च करोगे, मैं मिल जाऊंगा। आई एम एम टेक फ्रॉम IIT रुड़की, आई हैव 5+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर गेट एंड ESE फील्ड, आई टीच EDC एनालॉग सर्किट एंड एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, और यही सब्जेक्ट अनअकैडमी प्लस पर मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी प्लस पर हमें क्यों आना चाहिए सर, सर आप ही बताओ हमें, ऐसा क्या कारण है? ऐसे एक कारण नहीं है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं, जिसको मैं गिनाऊँ तो कम पड़ जाए, लेकिन गिनाऊँ तो कितने कारण है। सबसे पहले मैं लव करता हूँ रैंक इंप्रूवमेंट बैच को। आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस का, उसमें आपको रेगुलर कोर्स मिलते हैं कॉम्प्रेहेंसिव, रैंक इंप्रूवमेंट बैच मिलता है, क्रैश कोर्स मिलता है, वीकली टेस्ट मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलते हैं, हर फोर्थ क्लास डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, लाइव क्लासेस होती हैं, वही लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहती हैं, नंबर ऑफ टाइम्स आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। बात करते हैं रैंक इंप्रूवमेंट बैच, सर इतना आप दीवाने क्यों रैंक इंप्रूवमेंट बैच के लिए? मैं इसलिए दीवाना हूँ रैंक इंप्रूवमेंट बैच के लिए, जिसने कॉम्प्रेहेंसिव कोर्स पढ़ा मेरा EDC एनालॉग और रैंक इंप्रूवमेंट बैच लगा लिया उसने, मैं बोल रहा हूँ वो इक्विवेलेंट इंडिया में जितने टीचर हैं उनसे ज़्यादा बेस्ट स्टूडेंट ही होगा मेरा। उस पर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं,
300+ क्वेश्चन कराए हो, 300 में से एक भी क्वेश्चन हल्का नहीं है। एक एक क्वेश्चन में आपकी आंखें निकल आएंगी बाहर, इतनी बड़ी बिल्कुल लाल लाल क्वेश्चन नहीं होगा, हिलेगा नहीं, आपने ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो वो बात है रैंक इंप्रूवमेंट बैच में जो आपको कहीं नहीं मिल पाएगी। स्पेशल है बिल्कुल एकदम, समझ लो कि एक एक क्वेश्चन ऐसा फूका हुआ है ना, बिल्कुल तबीयत आप ऊपर से नीचे हिल जाओगे कि भाई क्या क्वेश्चन है ये। तो वो है रैंक इंप्रूवमेंट बैच, वो अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के अंदर ही है। अब बात करते हैं आइकॉनिक की। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो प्लस के सारे एडवांटेज तो हैं ही, लेकिन आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलेगा जो कि आपको और कहीं पर नहीं मिलता। आपको लगता है कि आप डिमोटिवेट होते हैं प्रिपरेशन के ड्यूरिंग, तो आपको पर्सनल कोच की जरूरत पड़ती है, तो आइकॉनिक जाएं। स्टडी प्लानर मिलेगा, स्टडी बूस्टर सेशन मिलेंगे, पर्सनलाइज टेस्ट मिलेगा, है ना, उसका एनालाइज कराया जाएगा, प्रिपरेटरी मटेरियल मिलेगा जैसे स्पेशलाइज नोट एंड प्रैक्टिस सेट्स। अब बात करते हैं कि प्लस के सर कॉस्ट की क्या बात है। कॉस्ट आपकी रिस्पेक्टिव लिखी हुई है 12 मंथ्स, 18 मंथ एंड 24 मंथ्स के लिए। EDC10 कूपन कोड है जो आपको अप्लाई करना है 10% डिस्काउंट के लिए। क्यों अप्लाई करना है? क्योंकि मैंने बोल दिया है EDC10 लगाओ, 10% डिस्काउंट पाओ, आप अपने जो भी कॉइन्स हैं उनको यूज कर सकते हो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो EDC10 लगाना है, EDC इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट लचक के साथ EDC10। ओके, तो EDC10 लगाना है। कामिस 10 मेरा कूपन कोड है, मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, कामिस 10। ओके, सो कामिस 10 यू कैन अप्लाई KAMESH। अगर वो आपको अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है मेरा नाम कामिस 10, ओके, आपको लगता है आपकी कुंडली में फर्क पड़ेगा कामिस 10 लगा के, तो आप कामिस 10 लगा दो, अदरवाइज EDC10 लगाओ। अच्छा, EDC भी खुश होगी, मैं भी खुश होऊंगा। ओके, नाउ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स उसकी रिस्पेक्टिव कॉस्ट दिया हुआ है। अगेन EDC10 कूपन कोड लगाओ। ओके, और ये जो कोर्स चल रहा है वो कोर्स ऑन एनालॉग सर्किट है, ये समझो आप। ओके, दिस सब्जेक्ट इज एनालॉग सर्किट ओनली। ओके, एंड प्रोसीड ऑन पेमेंट यू विल गेट द सब्सक्रिप्शन। नाउ एट लास्ट, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी लाइव। इस वीडियो को लाइक करो, ये थम्स अप है, शेयर जरूर करो। शेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर वाला नोटिस कर रहा होगा कि इस बच्चे ने अपना धर्म निभाया कि नहीं। तो ये धर्म है, धर्मो रक्षति रक्षिता, मतलब आप धर्म का पालन करो, आपका ऊपर वाला देख रहा है। धर्म क्या है आपका? गरीबों की मदद करना। और ये जो YouTube पर क्लासेस हैं कि लोगों की मदद करने के लिए ही हैं, और लोगों की मदद तभी होगी जब उसके पास ये वीडियो पहुंच पाए। पहुंचेगा कैसे? भगवान विष्णु तो उसके सपने में आएंगे नहीं कि बेटा एक केट्रिक्स नाम का चैनल है, उस पर बहुत बढ़िया बढ़िया बाबा टाइप के टीचर पढ़ाते हैं, बेहतरीन नॉलेज है उनको। लेकिन नहीं, उसके पास जब तक ये नहीं पहुंचेगा न्यूज़, ओके, तब तक उसे पता ही नहीं चलेगा। तो आपको शेयर करना है जिससे वो उस तक पहुंच जाए, और सब्सक्राइब करना है आपको खुद के भले के लिए। क्यों? जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन मिलने लगा तो आपकी कोई भी क्लास नहीं छूटेगी और आपकी ज़िंदगी आसान होगी। थैंक यू वेरी मच, वी आर एंडिंग दिस सेशन। टुमारो कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।